हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 10 जून तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका आठ खंबा मंदिर, जिसके अवशेष मिले हैं आपके बारसूर दंतेवाड़ा से। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से एक तालाब के किनारे आपके इस आठ खंबा मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। समझिएगा, पाड़ेर तालाब के मेड़ पर, ठीक है, एक तालाब है पाड़ेर तालाब, उसके मेड़ पर यानी उस तालाब के किनारे इस आठ खंबा मंदिर के आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो आठ खंबा मंदिर है, इसका जो निर्माण है ये छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा कराया गया था। आठ खंबा मंदिर जिसका निर्माण है आपका छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा इस आठ खंबा मंदिर का निर्माण कराया गया था। देखिए, छिंदक नागवंशीय शासनकाल में आपके स्तंभ मंदिरों का निर्माण इन छिंदक नागवंशीय शासकों की विशेषता रही है। जैसे आपके जो धारावर्ष है उनके सेनापति रहते हैं आपके चंद्रादित्य, जिन्होंने 32वां मंदिर का निर्माण कराया था, यानी 32 खंभों वाला मंदिर। ठीक है, वैसे ही है आपका 32 खंभा मंदिर यानी 32वां मंदिर, 16 खंभा मंदिर, 8 खंभा मंदिर, 4 खंभा मंदिर, इन सभी मंदिरों का निर्माण आपका छिंदक नागवंशीय शासकों के काल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए अभी वर्तमान में आपका जो 32 खंबा मंदिर यानी जो आपका 32वां मंदिर है वो आपकी सुरक्षित अवस्था में मौजूद है। उसके अलावा जो आपके 16 खंबा मंदिर है ये धराशाही होने की स्थिति में है। अभी 8 खंबा मंदिर और 4 खंबा मंदिर ये धराशाही हो चुके हैं, अभी केवल इनके अवशेष ही आपके मात्र मिल रहे हैं। जैसे अभी 8 खंबा मंदिर जिसके अवशेष आपके पाड़ेर तालाब के मेड़ पर अभी इसके अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 8 खंबा मंदिर जो कि आपके बारसूर में पाड़ेर तालाब के मेड़ पर इसके अवशेष मिले हैं, जो कि आपके छिंदक नागवंशीय शासकों के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ, इनका देश का सबसे बड़ा भगवान चंद्रप्रभ का पद्मासन प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के तट पर। ठीक है, दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के तट पर देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जा रही है। देखिए, ये जो आपके भगवान चंद्रप्रभ ये है कौन, ये आपके जैन तीर्थंकर है, 8वें नंबर के जैन तीर्थंकर। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा जो आपके जैन धर्म है उसमें टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए, जैसे ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें जैन तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी, वैसे ही आपके 8वें जैन तीर्थंकर थे आपके भगवान चंद्रप्रभ। ठीक है, हर जैन तीर्थंकरों का एक आपका चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह भी रहा। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था आपका वृषभ यानी बैल। ठीक, आपके जो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनका जो आपका चिन्ह था वो था आपका सर्प। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनका चिन्ह था आपका सिंह। वैसे ही आपके ये जो 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ है, इनका भी जो चिन्ह है वो है आपका चंद्रमा या वर्धमान चंद्रमा। वर्धमान चंद्रमा मतलब अर्ध चंद्रमा। ठीक है, वर्धमान चंद्रमा या आपका चंद्रमा, ये आपके 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ का आपका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, देखिए, दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के तट पर एक स्थान है आपका नासिया, जिसे जैन तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस नासिया में आपके लाल एकाश्म पत्थर को तराश करके भगवान चंद्रप्रभ की 21 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। 21 फीट ऊंची प्रतिमा, ये देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा होगी। ठीक है, देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा होगी। और नासिया जैन तीर्थ कहां विकसित किया जा रहा है पूछा जाए तो शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग जिले में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बमनाडीह और बाराद्वार दो नए तहसीलों का गठन किया जा रहा है। ये बमनाडीह और बाराद्वार, ये दो नए तहसील आपके जांजगीर जिले में, इन दो नए तहसीलों का गठन किया जा रहा है। चांपा तहसील से अलग करके बमनाडीह बनाया जा रहा है, जबकि शक्ति तहसील से अलग करके आपका बाराद्वार बनाया जा रहा है। ठीक है, चांपा तहसील से अलग करके बमनाडीह का गठन किया जाएगा, जबकि शक्ति तहसील से अलग करके इस बाराद्वार नए तहसील का गठन किया जाएगा। अभी आपका जो जांजगीर चांपा है उसमें टोटल 10 तहसील है। एक है आपका पामगढ़, दूसरा है अकलतरा, तीसरा है नवागढ़, चौथा बलौदा, पांचवा है जांजगीर, छठवा है चांपा, सातवा है शक्ति, आठवा है जयपुर, नौवा है डभरा और दसवा है आपका माल खरौदा। ठीक है, माल खरौदा, ये 10 तहसील आपके जांजगीर चांपा में जिले में मौजूद है। और इन 10 तहसीलों के साथ आपका जांजगीर चांपा जिला
प्रदेश का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है, ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है आपका जांजगीर चांपा जिला 10 तहसीलों के साथ, जहां पर अभी आपके दो नए तहसील का गठन और किया जा रहा है, बमनाडीह और बाराद्वार, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। इन दो नए तहसीलों के गठन के पश्चात जो आपका जांजगीर चांपा है यहां पर तहसीलों की कुल संख्या हो जाएगी आपका 12, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश की पहली फ्रोजन फूड यूनिट, प्रदेश की पहली फ्रोजन फूड यूनिट जिसे गोल्ड नाम से स्थापित किया गया है, इसे स्थापित किया गया है आपके उरला इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर में, ठीक है, रायपुर के उरला इंडस्ट्रियल एरिया में आपका प्रदेश का पहला फ्रोजन फूड यूनिट स्थापित किया गया है, जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका नाम है आपका गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, प्रदेश का पहला फ्रोजन फूड यूनिट। देखिए जो फ्रोजन फूड है एक प्रकार का तैयार भोजन होता है जिसे घर में ला करके गर्म करके उसे उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, तो गोल्ड प्रदेश का पहला फ्रोजन फूड यूनिट जो कि उरला इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गोंचा रथ, गोंचा रथ, देखिए ये गोंचा रथ या जो आपका गोंचा यात्रा है इसे समझिएगा, थोड़ा हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1408 ईस्वी जब आपके काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव आपके पुरी में जगन्नाथ भगवान की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपके जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर के जो पुजारी है वो आपके इन पुरुषोत्तम देव को आपके रथपति की उपाधि से नवाजते हैं, ठीक है, रथपति की उपाधि से इन्हें सम्मानित करते हैं, साथ ही साथ इन्हें 16 पहियों वाला रथ भी इन्हें भेंट करते हैं, 16 पहियों वाला रथ भी इन्हें भेंट करते हैं और इन्हीं 16 पहियों वाले रथ से वो पुरी से वापस बस्तर आते हैं, ठीक है। देखिए 16 पहियों वाला रथ, इसी 16 पहियों वाले रथ में आपके बस्तर जिले में आपके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। देखिए उस समय ये जो आपके 16 पहियों वाला रथ है इसका संचालन काफी कठिन हुआ करता था, ठीक है, इस पर रथ यात्रा निकालना काफी कठिन हुआ करता था, इस कारण से इन 16 पहियों वाले रथ को आपके तीन भाग में विभक्त कर दिया गया। देखिए 4 पहिया वाला रथ जिसे भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया गया, 4 पहिया वाला रथ जिसे फूल रथ कहा जाता है, 8 पहिया वाला रथ जिसे विजय रथ कहा जाता है, ठीक है, 8, 4, 12, 4, 16, 16 पहियों वाले रथ को आपके तीन भागों में विभक्त किया गया, 4 पहिया वाला रथ जिसमें भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया जाता है, उसके बाद 4 पहिया वाला रथ जिसे फूल रथ कहा जाता है, उसके बाद 8 पहिया वाला रथ जिसे विजय रथ कहा जाता है, ठीक है, इसमें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं की यात्रा निकाली जाती है। देखिए पूरे देश भर में आपके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला एकमात्र ऐसा है जहां पर भगवान जगन्नाथ की 22 प्रतिमाओं की आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, जिसे प्रदेश में गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो हमारे प्रदेश में जो गोंचा पर्व मनाया जाता है ये आपके उड़ीसा के गुड़िचा पर्व से प्रेरित है, ठीक है, उड़ीसा के आपके गुड़िचा पर्व से प्रेरित है, अनुप्रेरित है, ठीक है, इसी गुड़िचा जो आपका पर्व है इसी का अपभ्रंश है आपका गोंचा पर्व। देखिए गोंचा पर्व इसे ही कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखिए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जब इस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में आपके देव स्नान जिसे चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है, देव स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के पश्चात आपका ये गोंचा पर्व प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के अगले दिन यानी अषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा, ठीक है, अषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा जिस दिन आपके भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं यानी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके अषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा से अगले 15 दिन भगवान जगन्नाथ का किसी को भी दर्शन नहीं करने दिया जाता, ठीक है, भगवान जगन्नाथ का किसी को भी दर्शन नहीं किया करने दिया जाता। 15 दिन बाद यानी आपके अषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा को भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर के वापस आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, जिसे नेत्रोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, नेत्रोत्सव के रूप में मनाया जाता है आपके अषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा को, ठीक है। उसके बाद होता है अगला दिन जिसमें आपके अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया जिस दिन निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है आपके अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसे कहा जाता है श्री गोंचा
या रथ दूज या रथ द्वितीया, पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। रथ दूज कब मनाया जाता है? अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। रथ द्वितीया कब मनाया जाता है? अषाढ़ माह में, ठीक है। गोंचा पर्व किस दिन मनाया जाता है या गोंचा यात्रा किस दिन निकाली जाती है? तो अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को आपकी गोंचा यात्रा निकाली जाती है, जो कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, ठीक है। देखिए बस्तर में दो रथ यात्रा होती है, एक आपके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और एक रथ यात्रा होती है आपकी दंतेश्वरी माता की रथ यात्रा, जो कि दशहरा के अवसर पे होता है, ठीक है। ये गोंचा पर्व जो है या ये जो गोंचा यात्रा है ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, ठीक है। तो देखिए इस दिन क्या होता है, भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन यानी आपके बलभद्र और आपके सुभद्रा, ये तीनों के साथ इनकी प्रतिमाओं को लेकर के इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, जो जगदलपुर के ही एक गोल चौक से उनका भ्रमण करवा करके जो जगदलपुर का जो आपका भवन है, राजभवन है, सिरहासार भवन में ले जा करके इनकी रथ को वहाँ पर आपका खड़ा कर दिया जाता है। अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के अगले 9 दिन यानी अषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तक यहाँ पर आकर के जो स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना, सत्यनारायण की कथा, जस, हर प्रकार से आपके सांस्कारिक कृत यानी पूजा अनुष्ठान यहाँ पर आकर के करते हैं, ठीक है। अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के बाद अगला आता है आपके अषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे मनाया जाता है आपका हेरा पंचमी के रूप में। हेरा पंचमी, देखिए जो हेरा पंचमी है ये आपके लक्ष्मी नारायण संवाद के रूप में मनाया जाता है। जैसे देखिए एक आपकी कहानी प्रचलित है, जो आपके ये भगवान जगन्नाथ है ये आपके भगवान विष्णु का ही एक प्रतिरूप है। भगवान विष्णु जो कि आपके माता लक्ष्मी को बिना बताए आपके भ्रमण के लिए अपने भाई बहन के साथ निकल जाते हैं और जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी जो कि उनकी मौसी का घर होता है, ये जनकपुरी हमारे जो आपके छत्तीसगढ़ में जो आपके जगदलपुर का जो सिरहासार भवन है उसे जनकपुरी माना जाता है, ठीक है। वैसे तो जो आपका जगत भगवान जगन्नाथ का जो मेन जो रथ यात्रा है वो आपके पुरी का है, पुरी में आपके जनकपुरी तक उनकी रथ यात्रा निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो आपका जनकपुरी है वो आपके सिरहासार भवन को मान करके यहीं ला करके उनका रथ रखा जाता है, ठीक है। तो अपने भाई बहन के साथ जो आपके भगवान जगन्नाथ है वो अपने भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं और पहुँचते हैं आपके आपका जनकपुरी, ठीक। तो ये जो है जब आपकी लक्ष्मी माता को बिना बताए जब जाते हैं तो लक्ष्मी माता कुछ दिन तक इंतजार करती है, 4 दिनों तक इंतजार करती है और पांचवें दिन यानी ये आपका हेरा पंचमी, पांचवें दिन उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है और आपके वो भी जनकपुरी पहुंचती है। तो यहां पर क्या है, आपके भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मध्य एक वाद विवाद होता है, उसी वाद विवाद को कहा जाता है आपका लक्ष्मी नारायण संवाद, जिसे हेरा पंचमी के रोज आपके माता लक्ष्मी की डोली ला करके उस भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने ला करके रखा जाता है और यहीं पर आपके जो माता लक्ष्मी का जो आपका डोली है और जो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उनके पुजारियों के मध्य एक लयबद्ध एक संवाद होता है जिसे लक्ष्मी नारायण संवाद कहा जाता है। इसे हेरा पंचमी के रूप में आपके पांचवें दिन यानी अषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुड़ा गोचा, बहुड़ा गोचा जो कि मनाया जाता है आपका अषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को। अषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को पूजा अनुष्ठान के पश्चात वापस भगवान जगन्नाथ के रथ को उनके मंदिर में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पांच जो आपके पर्व है ये आपके गोंचा पर्व से संबंधित है, ठीक है। इसमें ध्यान देना, आपसे कभी पूछ सकता है हेरा पंचमी कब मनाया जाता है या हेरा पंचमी किसका हिस्सा है, ये गोंचा पर्व का हिस्सा है। बहुड़ा गोंचा किसे कहा जाता है, ये भी आपका गोंचा पर्व का हिस्सा है। कब मनाया जाता है ये सभी तिथि को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। नेत्रोत्सव इसकी तिथि को याद रखिएगा, चंदन यात्रा किससे संबंधित है, गोंचा पर्व से संबंधित है, ठीक है। इन सभी को थोड़ा याद रखिएगा। ये जो आपका जो बस्तर का जो बस्तर में जो आपकी रथ यात्रा निकल रही है यानी ये जो गोंचा पर्व मनाया जा रहा है उस दिन जो आपके अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो एक प्रकार के गॉड ऑफ ऑनर यानी तुपकी जो कि बांस का बना हुआ एक एयर गन है, ठीक है। तुपकी के आवाज़ के साथ ये रथ यात्रा निकाली जाती है। देखिए जो तुपकी है ये बांस का बना हुआ एक एयर गन है, एक पिचकारी की तरह होता है जिसमें चने के दाने के आकार के पेग जो कि आपकी मालिकागिनी लता, ठीक है, एक आपका पौधा है मालिकागिनी, उसके लता में एक गुच्छेदार मतलब गुच्छे के रूप में ये आपका फल का जो आपका दाना है, ठीक है, जो फल है जिसे पेग कहा जाता है उसे इस तुपकी में प्रयोग किया जाता है। तुपकी में इसके दाने को भर करके पिचकारी की तरीके का ये तुपकी बनाया जाता है जिसे प्रेस करने पर एक तीखे आवाज के साथ ये जो आपके पेग है ये सामने से निकलता है, ठीक है। ये तुपकी का प्रयोग रथ यात्रा के
के दौरान जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इसे खेल के रूप में भी एक दूसरे को मारने के लिए करते हैं। रथ यात्रा के दौरान ही ये तुपकी का जो खेल है ये भी आपके रथ यात्रा के दौरान वहाँ के स्थानीय लोग खेलते भी है, ठीक है। तो ये तुपकी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तुपकी जो कि बांस का बना हुआ होता है, ठीक है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा बांस का बना होता है ये तुपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किरारी गांव कास्ट स्तंभ। ये करंट अफेयर का तो टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब आपका जो संग्रहालय दिवस अभी बीच में आया था तो उस समय ये एक आर्टिकल आया था, तो इम्पोर्टेंट है समझिएगा। किरारी गांव कास्ट स्तंभ, किरारी गांव कास्ट स्तंभ जहां से वर्ष 1921 में अविभाजित बिलासपुर से 1921 में एक किरारी गांव से एक कास्ट स्तंभ प्राप्त हुआ। अविभाजित बिलासपुर मतलब अभी वर्तमान में ये जो आपका किरारी गांव है ये आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में। तो ये आपके जांजगीर चांपा जिले के आपके हीरा बांधा तालाब से एक कास्ट स्तंभ प्राप्त हुआ, जिसे सातवाहनकालीन कास्ट स्तंभ होने की पुष्टि की थी आपके डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ने, ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ने इसे सातवाहनकालीन कास्ट स्तंभ होने की पुष्टि की थी, जिस जो कि आपके ब्राह्मी लिपि में इसमें लिखा हुआ है सातवाहनकालीन पदाधिकारियों के नाम की सूची, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक कास्ट स्तंभ है जिसमें आपके सातवाहनकालीन पदाधिकारियों की एक सूची मौजूद है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, हीरा बांधा तालाब किरारी गांव कास्ट स्तंभ जो कि वर्ष 1921 में प्राप्त हुआ था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में आपके पदाधिकारियों के नाम की सूची लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हटकेश्वर मंदिर ये भी आर्टिकल आया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस हटकेश्वर मंदिर, इसका जो निर्माण है खारून नदी के तट पर 1458 ईस्वी में रायपुर में खारून नदी के तट पर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के नायक हाजीराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भत्रानाट ये भी एक प्रकार का नाटक का ही एक विधा है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है इनका नाम याद रखिएगा, मुंद्रा मांझी। इन ये जो भत्रानाट है इसे इन्होंने काफ़ी पहचान दिलाई। अभी एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें बताया जा रहा है कि इनके इस भत्रानाट की प्रस्तुति एक बॉलीवुड फिल्म में भी कराई जा रही है, ठीक है, समझिएगा। मुंद्रा मांझी जो कि भत्रानाट के प्रसिद्ध कलाकार है, ये जो भत्रानाट है ये एक प्रकार के नाटक का ही मंचन है जिसमें आपके लोक गाथा, प्रेम और युद्ध की कहानी का मंचन किया जाता है, ठीक है। भत्रानाट जिसे आपके हल्बी, गोड़ी और उड़िया इनके विभिन्न प्रसंगों का एक जीवन प्रस्तुतिकरण इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो भत्रानाट जिसके प्रसिद्ध कलाकार है आपके मुंद्रा मांझी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क ये स्थापित किया जा रहा है आपके राजनांदगांव जिले के बसंतपुर में लगभग 5 एकड़ भूमि में 500 पौधे लगा करके एक बर्ड्स पार्क को विकसित किया जा रहा है, ठीक है, जो आपके स्थानीय जो पक्षी है उनके लिए घोंसले और प्रवासी पक्षियों की भी सुविधा यहां पे आपकी मुहैया कराई जाएगी। तो ये जो आपके प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क ये कहाँ पर आपका प्रस्तावित है या कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है या कहाँ पर विकसित किया जा रहा है पूछा जाए तो वो है आपके राजनांदगांव जिला। देखिए नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस का संकेत प्रतीक बैच, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस का जो एक बैच है संकेत प्रतीक बैच उसको थोड़ा समझिएगा। थ्योरी बताता तो थ्योरी से आप लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए पूरा का पूरा बैच ही यहाँ पे मैंने बना दिया है। देखिए एक आपका छत्तीसगढ़ पुलिस का आपका बैच आपका इसे अब प्रदेश की जो पुलिस है उसे अपने कपड़े में लगा करके घूमेगी, यानी उस बैच को पहनेगी, समझिए। ये जो आपका छत्तीसगढ़ पुलिस का जो बैच है ये एक ढाल शेप में है, आप देख रहे हैं ये एक ढाल है, ठीक है, एक ढाल है जिसमें जो बॉर्डर है एक बॉर्डर बना हुआ है जो कि सुनहरे रंग का बॉर्डर है, ठीक है। ये जो आपका ढाल है ये आपके गहरे नीले कलर में है, ठीक है, ये जो इसकी जो पृष्ठभूमि है ये आपके गहरे नीले कलर की इसकी पृष्ठभूमि है जो कि एक ढाल आकार का है जिसमें आपके सुनहरे रंग का बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। इसमें ऊपर तरफ आपका छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है आपका अशोक चिन्ह जिसके नीचे लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते, यहाँ पर आपका सूर्य रूपी एक प्रगति चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, सूर्य रूपी एक प्रगति चिन्ह बना हुआ है जिसके नीचे है आपका बायसन हार्न या फिर आपका गौर हार्न, या शुद्ध भाषा में बोले तो जो हमारे प्रदेश का जो राजकीय पशु है आपके वन भैंसे उसके सिंह का यहाँ पर आपका एक प्रतिरूप बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, बायसन हार्न। उसके नीचे जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस का जो आदर्श वाक्य है
परित्राणाय साधुनाम, ठीक है, परित्राणाय साधुनाम वो इसके नीचे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 2000 जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का आपका गठन वर्ष है, ठीक है। तो इतना सब चीज आपके छत्तीसगढ़ के संकेत प्रतीक यानी छत्तीसगढ़ पुलिस के बैच में आपका लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि पूछ दे, शायद पूछ दे, वैसे तो ऐसे प्रश्न नहीं आते छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह से आते, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह से प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इससे भी आपका प्रश्न पूछ ले, इसलिए आपको इसका पूरा का पूरा आपका मैंने इमेज बना करके आपको सारी चीजें बताई। देखिए नेक्स्ट है आपका हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, हर्रा प्रसंस्करण केंद्र यानी हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट जिसे स्थापित किया जा रहा है आपके इच्छापुर कोंडागांव, कोंडागांव जिले के आपके इच्छापुर में हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट या हर्रा प्रसंस्करण केंद्र आपका स्थापित किया जा रहा है। हर्रा एक प्रकार का वनोपज है जो कि खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, औषधि के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इस हर्रा का जो प्रोसेसिंग यूनिट है यह आपके इच्छापुर कोंडागांव में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एशिया की सबसे बड़ी आपकी इमली मंडी कहां स्थित है पूछा जाए तो आपके जगदलपुर बस्तर में, पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी आपकी इमली मंडी, अभी हाल फिलहाल में आपकी न्यूज में यह भी चर्चा में रहा कि जब आपके लघु जो आपके वन उपज जब उसको संग्रहण किया जा रहा था तो जो इमली का जो आपका जो खरीदी बिक्री है उसकी सबसे बड़ी जो मंडी लगी थी आपके जगदलपुर में ही है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो आपकी इमली की मंडी ये कहां पर है पूछा जाए तो जगदलपुर बस्तर में। आदिवासी संग्रहालय, प्रदेश में आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा आपके जगदलपुर बस्तर में, जगदलपुर बस्तर जहां पे आपके आदिवासी जो जनजाति है, स्थानीय जो जनजाति है बस्तर की, उनके इतिहास, उनके संस्कृति, उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, इन सब से जो आपके नई युवा पीढ़ी है उन्हें अवगत कराए जाने के उद्देश्य से एक आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा आपके जगदलपुर बस्तर में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।